Hi guys, welcome back to my channel 15 minutes for English powered by Unacademy. फटाफट से आ जाओ guys क्योंकि यहाँ पे आ चलते हैं आज हम लोग character sketch of Margie class 9 का chapter number 1 the fun day है क्योंकि students ने comment किया था class 9 के कि class 9 का भी start कर दो sir तो कर दिया है आपके साथ okay so Margie का character sketch है guys एक एक करके सारे character sketch आपके सामने आ जाएंगे Margie के साथ साथ Tommy के साथ mechanical teacher के साथ आपका काउंटी इंस्पेक्टर ओके सो एक एक करके सारे आ जाएंगे चलिए शुरू करते हैं सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके सामने दैट इज Margie 11 ईयर ओल्ड गर्ल तो ये चीज क्लियर है गाइज Margie की एज दे रखी है आपको एंड उनका वो कौन है गर्ल है क्लियर है फर्स्ट पॉइंट सिंपल चलो सेकेंड पॉइंट है गाइस दैट इज प्रोटोगोनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट भी बोलते हैं गाइस प्रोटोगोनिस्ट भी बोल सकते हो आप प्रोटैगनिस्ट करेक्ट वर्ड है सो प्रोटैगनिस्ट मतलब क्या होता है गाइस पॉजिटिव मेन लीड कैरेक्टर ऑफ एनी रोल एनी प्ले एनी फिल्म तो यहाँ पे एक गर्ल थी पॉजिटिव कैरेक्टर था और मेन लीड में थी इस चैप्टर के अंदर इसलिए इनको क्या बोला जा सकता है गाइस प्रोटैगनिस्ट बोला जा सकता है इसका अपोजिट क्या होता है गाइस दैट इज एंटैगनिस्ट वो कौन होते हैं नेगेटिव लीड कैरेक्टर समझ में आया चलिए थर्ड पॉइंट है गाइस हैड अ डायरी इन विच शी रोट अबाउट द ओल्ड बुक अब गाइस Margie को आप इमेजिन कर सकते हो एक तो 11 ईयर ओल्ड गर्ल है और वो बिल्कुल अंग्रेज टाइप है ऐसे मैं बोल रहा हूं आपको इमेजिन क्योंकि यू नो डायरी राइटिंग कर रही है डायरी लिख रही है इस तरीके से समझ में आया तो वो क्या करती थी वो अपने रोज रात का जो भी टाइम है उनका उस टाइम पे डायरी लिखती थी और सिमिलरली जो उनको ओल्ड बुक आपने चैप्टर पढ़ा होगा Margie को और Margie के जो फ्रेंड है यहाँ पे टॉमी को एक ओल्ड बुक मिली है उसके एटिक से एटिक समझ में आता है यहाँ पे एक इमेज आ रही होगी ये ऊपर जो आपका टेरिस से नीचे का थोड़ा सा एरिया होता है वहां पे क्लियर है सो एटिक में वहां पे इनको बुक मिली है तो उस बुक के बारे में रीड कर रहे हैं तो ये अपनी डायरी में लिख रही है कि आज हम लोगों को एक रियल ओल्ड बुक मिली है रियल मतलब गाइस जो ये प्रिंटेड बुक्स होती हैं आपके सामने इमेज है उनके बारे में बात हो रही है इनके टाइम पे क्या चल रहा है गाइस ये फ्यूचर की स्टोरी है तो ये लोग टैली बुक्स में से पढ़ते हैं टैली बुक्स का मतलब आपको समझ में आता ना बेसिकली पीडीएफ टाइप ऑफ ओके तो इनके पास लैपटॉप स्क्रीन और टैबलेट्स होते हैं उसमें जो बुक पढ़ते हैं उसकी बात हो रही है क्लियर है सो इन्होंने इस बारे में डायरी राइटिंग में डायरी में लिखा है चलिए थर्ड पॉइंट है गाइस दैट इज टॉमीज फ्रेंड ओके टॉमी कौन है आपको इसके नेक्स्ट वाला कैरेक्टर है वो टॉमी के ऊपर मिलेगा बेसिकली मैं आपको बता देता हूं इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर हैं एक Margie और एक है टॉमी ओके टॉमी कौन है Margie का फ्रेंड है समझ में आया इज दैट क्लियर आई थिंक इनकी एज 13 ईयर्स है इनका कैरेक्टर हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे चलिए पॉइंट नंबर फिफ्थ है गाइस इनोसेंट बट क्यूरियस इनोसेंट है गाइस आप बोल सकते हो एक तो छोटे से मतलब 11 ईयर ओल्ड गर्ल है तो ज्यादा बड़ी नहीं है तो वो इनोसेंट है और टॉमी की बात मान जाती है थोड़ी सी गुस्सा थोड़ा सा एटीट्यूड होता है वो बच्चों में जो होता है उस तरीके से क्यूरियस क्यों है क्योंकि गाइस आपको पता होगा जब से ओल्ड बुक मिली है उसके बारे में जानना चाहती है ओल्ड बुक के बारे में एंड प्लस क्या करती है जो पुराना टाइप का स्कूल है जिसके बारे में दे रखा है ओल्ड रियल बुक में उसके बारे में जानना चाहती है उस टाइम के बच्चे उस टाइम के टीचर्स उनके बारे में कि वो लोग कैसे पढ़ते थे कैसे मस्ती करते थे सो वो थोड़ी सी क्यूरियस है चीजों को लेके ओके चले नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर सिक्स रीड्स द रियल बुक विद टॉमी टॉमी के साथ ये क्या करती है जो रियल बुक होती है दोनों साथ में मिलके रियल बुक पढ़ते हैं रीड करते हैं उसको कि उसमें क्या है पॉइंट नंबर सेवन है गाइस कंपेयर द रियल बुक विद टेली बुक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स प्लीज इस चीज को ध्यान रखना स्टार्टिंग में क्या होता है जब ये लोग पढ़ रहे होते हैं ना जब इन्होंने स्टार्ट करी होती है तो टॉमी भी एंड Margie दोनों मिलके क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं जो रियल जो प्रिंटेड बुक्स होती हैं अपने टाइम पे भी उनका टैली बुक से सो कंपैरिजन कुछ इस तरीके से करते हैं गाइस जैसे जो टॉमी है वो बोलता है वहां पे कि यार एक बार आपने रियल बुक गो थ्रू कर ली पूरी पढ़ ली फिर उसका क्या क्योंकि आप उसमें रीप्रिंट नहीं करोगे ना उसको हटाना पड़ता है सो वो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे थे अपना इसकी टैली बुक से कि टैली बुक्स में थाउजेंड्स 10,000 लैक्स बुक्स से ज्यादा आ सकती हैं और उसके बाद और भी आ सकती हैं उनकी टैली बुक्स उसमें उनको कुछ डिलीट नहीं करना पड़ता तो यहाँ पे वही कंपैरिजन है रियल बुक को एक बार प्रिंट कर लिया पूरी रीड कर ली उसके बाद क्या वो वेस्ट हो गई उसको हटा दो इस तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं चलिए
पॉइंट नंबर एट है गाइस, hates a teacher or sorry hates a school and mechanical teacher. तो पहली बात कर लेते हैं गाइस, मैकेनिकल टीचर कौन है, आपके सामने इमेज आ रही होगी. मैकेनिकल टीचर इनके रोबोट है, जो रोबोट्स जो एआई मशीन इनको आके पढ़ाती है ना, उनको मैकेनिकल टीचर बोला गया. और हेट करती हैं ये दोनों को, यानी स्कूल को भी और मैकेनिकल टीचर. अब एक चीज याद रखना, स्कूल बच्चे लोग अपने टाइम का, अभी का स्कूल नहीं, जो इनके फ्यूचर में इनका स्कूल कैसा है, इन्हीं के घर में इनका एक छोटा सा रूम है, उसमें सारी टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप लगा हुआ है, डिवाइसेस लगे हुए हैं, एक एआई टीचर है रोबोट टाइप, उस पे स्क्रीन लगी हुई है, वो पढ़ाता है, आप इमेज में देख सकते हैं यहां पे. सो ये जो मार्ची है इसको पूरी तरीके से हेट करती है, स्कूल को भी और मैकेनिकल टीचर को भी. मैकेनिकल टीचर इसको होमवर्क और टेस्ट पे टेस्ट दे रहा था, उसमें इनके बुरे मार्क्स आ रहे थे, आपको पता है हमने चैप्टर में पढ़ा है. और वन मोर थिंग, जो मैकेनिकल टीचर में ट्रे है ना, जिसमें इनको होमवर्क और टेस्ट कॉपीज देने होते हैं, उस वजह से ये मैकेनिकल टीचर को और हेट करती है. क्लियर है स्टूडेंट्स? चले पॉइंट नंबर नाइन्थ है, नॉट डूइंग वेल इन हर टेस्ट. गाइस क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था ना, आपने चैप्टर में पढ़ा हो, तो मैकेनिकल टीचर क्या होता है, इसका लेवल अप हो जाता है, फास्ट होता है. तो जैसे मार्ची स्लो मूव कर रही है, एज इन मीन्स एक साल में एक क्लास, लेकिन मैकेनिकल टीचर जो है वो फास्ट मूव करता है. जैसे मार्ची 10 ईयर ओल्ड की है तो उनको 10 ईयर्स तक के क्वेश्चन मिलने चाहिए, लेकिन जो मैकेनिकल टीचर है वो यहाँ पे इनको 13-14 ईयर के क्वेश्चन दे रहा था. तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई थी मैकेनिकल टीचर में, जिसको ठीक करने के लिए कौन आया था गाइस, काउंटी इंस्पेक्टर. तो वहां पे जो टेस्ट हो रहे थे उसमें मार्ची अच्छा नहीं कर पा रही थी. क्लियर है? चले डूइंग डिस्कशन अबाउट द ओल्ड स्कूल विद टॉमी. तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, जब ये बुक रीड करते हैं तो थोड़ा सा इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट, एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट होता है, ओके. और ये लोग क्या करते हैं उसके अंदर, बेसिकली टॉमी और मार्ची जो है वो ओल्ड स्कूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ओल्ड स्कूल कैसे होते थे, वहां पे क्या होता था ये सब, वहां पे कैसे टीचर्स पढ़ाते थे, कौन कौन कैसे बच्चे पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे, ऐसे. चले पॉइंट नंबर 11 है गाइज, और ये लास्ट पॉइंट है इसका, थॉट अबाउट द फन डे. अब डे कौन है यहाँ पे गाइज, देखो ये चैप्टर को भी रेक्टिफाई करता है, चैप्टर का जो नेम है उसको भी जस्टिफाई करता है. डे कौन है, ओल्ड स्कूल स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स पहले ओल्ड स्कूल में, पुराने स्कूल में पढ़ते थे ना, तो उनके लिए बोला गया है ये. यहाँ पे मार्ची अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में बैठ के, जो इनका बेडरूम के पास वाला रूम है वहां पे बैठ के यहाँ पे इनके टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन मार्ची का पूरा ध्यान कहाँ था, पुराने स्कूल के थॉट्स में, जब ये बुक रीड करके आई थी कि यार उस टाइम के जो बच्चे थे उन्होंने कितना फन किया होगा अपने स्कूल में, पुराने टाइम के, जो इनके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर का टाइम है ना, उस टाइम की बात हो रही. समझ में आया स्टूडेंट्स? सो उस टाइम के बच्चों ने कितना फन किया होगा ये वो सब सोच रही थी. साथ में स्कूल जाते होंगे, साथ में बैठते होंगे, साथ में टीचर उनको पढ़ाते होंगे, साथ में वो लोग होमवर्क करते होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती होगी तो एक दूसरे को सॉल्व करते होंगे, स्कूल ओवर होने के बाद वापस साथ में घर जाते होंगे. सो ये सब चीजें यहाँ पे मार्जी सोच रही थी और थोड़ी सी जेलस हो रही थी, क्योंकि उनको भी ये सब एक तरीके से लिव करना था, एक तरीके से जीना था. समझ में आया स्टूडेंट्स? ये सब एक्सपीरियंस करना था जो कि उनको नहीं मिल रहा था. इस वजह से भी अब वो अपने स्कूल को और अपना जो मैकेनिकल टीचर है इनके टाइम का, फ्यूचर का, उसको और हेट करती. सो गाइज, ये छोटा सा कैरेक्टर स्केच है मार्ची का. सो गाइज, अनअकैडमी एसेंट को अब सिर्फ 6 डेज बचे हैं. फटाफट से अगर आप लोगों ने अभी तक स्कॉलरशिप एग्जाम, जिसकी वर्थ है 5 लाख रुपीज पर मंथ, आप लोगों को 5 लाख तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है पर मंथ के लिए, अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो फटाफट से जाओ, नीचे लिंक्स हैं वहां पे जाके क्लासेस वाइज 6 to 8, 9, 10 and 11, 12 जाके देख सकते हो. फटाफट से जाओ और जितनी भी डिटेल्स है वहां ले लो. 1 November 11 AM, बी रेडी स्टूडेंट्स, कम ऑन. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो कैरेक्टर स्केच है मार्ची का वो खत्म होता है. इसके बाद गाइज आपका यहाँ पे एक और टॉमी का बचता है, और आई थिंक सो मैकेनिकल टीचर है वो भी इंपॉर्टेंट है, एंड आपका काउंटी इंस्पेक्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है. सो एक एक करके सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे 9th क्लास के स्टूडेंट्स. सो स्टे ट्यून, अगर आप लोगों को और वीडियोस चाहिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड देखते रहो 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश. थैंक यू सो मच.